चले पाती मैं, चलो 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 कहाँ जा रही हो, कहीं नहीं जाना। हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर अंकल के पास। आपने ना डॉक्टर अंकल को कहना, डॉक्टर अंकल शुरू ना लगाना, ठीक है? ठीक है, हाँ। है सारे बेबी आराम से बैठे हैं ना। हाँ जी, डॉक्टर अंकल ने मना किया चीज़ नहीं खानी, चलो आओ। फातिमा बड़ी भाई कोई डाडी और गुस्से वाली बच्ची, अभी विटामिन डी के कतरे पिलाने थे इसने, जो तमाशा लगाया है ना सारे निकाल दिए, सारे जैकेट नहीं पिए हैं, जैकेट ने फातिमा जहरा ने तो नहीं पिए। डॉक्टर अंकल ने मना किया कि आपको मोबाइल नहीं देना, आपको चीज़ नहीं लेके देनी, समझ आई है? डॉक्टर के साथ इतने गुस्से से पेश आ रही थी, वहाँ से पड़े शायद, मुझे लगता है उन्होंने अभी पहली दफ़ा ऐसी बच्ची देखी होगी गुस्से वाली। बाबा ने बाइक स्टार्ट की है, रोने लगे कि शायद मुझे लेके नहीं जाएंगे। तुम कैसे साहब? टेस्ट कराने हैं जी फातिमा जहरा के, अल खिदमत। चलो अल्ट्रासाउंड मेन ब्रांच से होगा, मुझे दे दो। फातिमा जहरा और मैं छत पर आ गए हैं। फातिमा जहरा की ये गाड़ी पड़ी हुई थी पिछले साल की, मटियों मटी हो गई थी, इसको भी वॉश किए है, अब ये ड्राई हो रही है। फातिमा जहरा वेट कर रही है कि गाड़ी ड्राई हो तो फातिमा जहरा इस पर राइड करे। फातिमा जहरा किसकी है? पंतीशा लाला की है। किसने लेके दी थी? मम्मी ने तो नहीं लेके दी थी, बाबा जान ने लेके दी थी ना। इधर देखो, नहीं उतारते स्टिकर, नहीं उतारते, ये बच्चों को बड़ा मसला होता है, स्टिकर उतार के ना चीज़ को बदरंग कर देते हैं। अरे ना दिखाओ मुझे क्या उतारा, मुझे दो, मम्मी को दो, क्या क्या उतारा है? फातिमा जहरा की नज़रें नहीं हट रही गाड़ी से, ये देखो इतनी आंखें स्वेल कर रही मेरी बेटी की। चलो फातिमा जहरा अब खुश है, गाड़ी चलानी आ नहीं रही, कोई ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर कोई नहीं है, तो फातिमा अपनी मदद आपके तहत खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रही। फातिमा मज़े आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ सूरज ऐसे जल भून रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं जल्दी उठी थी, फ़ातिमा जहरा की तबीयत ठीक नहीं है, एक हफ़्ता हो गया फ़ातिमा जहरा के, पहले आंखें बहुत ज़्यादा सूज गई थी, फिर अब फेस जो है वो सूज गया है। इधर एक डॉक्टर को चेक कराया तो उसने कहा पानी की कमी है, जबकि पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ़ातिमा जहरा को मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पानी पिलाती हूँ। तो आज फिर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, तो उस डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है, तो उस डॉक्टर साहब ने ढेरों ढेर टेस्ट लिख कर दे दिए, तो टेस्ट अभी नहीं कराए। आमिर साहब ने कहा कि शाम को टेस्ट कराएंगे, क्योंकि अभी आमिर फ्री नहीं है, उनकी शॉप का टाइम है। वापसी पर डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख कर दी थी वो थोड़ी सी मेडिसिन ली, फिर घर आ गए, फिर नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, बर्तन धोए, फातिमा जहरा को मेडिसिन पिलाई, अब फातिमा जहरा को लेकर मैं छत पर आ गई हूँ, और कुछ कपड़े धुले हुए थे वो भी छत पर लेकर आई हूँ, तो कपड़े सूख गए हैं और मैं यहाँ धूप में बैठी हुई हूँ। बहुत तेज़ धूप है, लेकिन मुझे बहुत तेज़ धूप पसंद है, क्योंकि इससे ना ज़रा बॉडी को टकोर मिलती है, और जो थकन वगैरह है, बीमारियाँ शिमारियाँ ना, वो दूर होती हैं, और हड्डियों को ताकत मिलती है, विटामिन डी मिलता है। लेकिन 12 बजे से पहले, अभी दोपहर का तकरीबन 1 बजे का टाइम है, कोई नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत विटामिन डी मिल जाएगा। फातिमा जहरा की गाड़ी पे फातिमा जहरा को बिठा दिए हैं, वो वहाँ खुश है, और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा धूप में लेट लूँ, उसके बाद फिर शाम को जब टेस्ट करने जाएंगे और बकाया दिन की जो रूटीन है वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। कैसे फर फर मैंने आपको सबक की तरह अपनी रूटीन सुनाई है। जब अल्लाह ताला आपको बच्चे दे देना तो अपनी लाइफ में से लफ्ज़ रेस्ट को निकाल दें। मैं रेस्ट के लिए लेटी थी, मेरी बेटी ने कहा मम्मी गाड़ी चलाए, मम्मी मम्मी मम्मी, मैं उठ गई, मैंने कहा रेस्ट बाद में करेंगे, पहले मैं अपनी बेटी की गाड़ी चला लूँ। फातिमा मज़े आ रहे हैं? मज़े आ रहे हैं? अब आप खुद चलाओ ना गाड़ी, हैं आप चलाओ ना खुद, आपको नहीं चलानी आती, चलाओ। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, गुड गर्ल, माशाल्लाह। आ जाओ, मैं आ जाऊँ। अच्छा चले फातिमा जहरा, आप खुद चला लो ना, धूप में बैठी थी तो धूप जला रही थी, छाँव में आई हूँ तो छाँव में ठंड है, मैं कहाँ जाऊँ धूप में या छाँव में। ऊपर से फातिमा जहरा जो है वो भी मुझे नहीं रेस्ट करने दे रही, वो कह रही मेरी गाड़ी ही चलाते जाओ। मम्मी इज्जत के जाए, मेरी बेटी खुद ही गाड़ी चलाए जा रही किसी ना किसी तरह से। बीप बीप तो करो ऐसे।